वही बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक उत्तरी बर्रा गांव में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराता जा रहा है। दरअसल इस गांव में पानी के लिए केवल 2 हैंडपंप है और गर्मी में हैंडपंप में पानी नहीं आने से ग्रामीणों को नाले में झीरिया बनाकर गंदा अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बताया कि जैसे ही इसकी जानकारी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को लगी तो वह तुरंत संबंधित अधिकारियों को लेकर मौके के लिए रवाना हुए और गांव पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि वह पहाड़ से उतरने वाला पानी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उपयोग करते हैं। इसके तहत ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि हम लोग ने सोलर सिस्टम से गांव में काम किया है, जिससे कि 1 या 2 दिन में हैंडपंप शुरू हो जाएंगे और जो विभागीय तकनीक है उसके माध्यम से पेयजल को उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आज के समाचार पत्र में और आप लोगों के माध्यम से बर्रा ढाना जो गांव है उसकी जानकारी मेरे नॉलेज में आई थी। ये गांव जो है भीमपुर ब्लॉक के डोडा जाम का गांव है, लेकिन यहाँ दूषित पानी पीने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि मैंने खुद आज SDM, CO जनपद, EPHE, SDPHE, सब इंजीनियर PHE और दूसरे जो ग्रामीण विकास विभाग का हमला उसके साथ भ्रमण किया है। इस गांव में 3 हैंडपम्प है, 300 इसकी जनसंख्या है, 77 परिवार वहाँ रहते हैं और साथ में 47 मकान है। ये एक ढाना है जिसको बोलते हैं, तो इसमें से 2 हैंडपंप चालू है और 1 हैंडपंप बंद है। पानी चूँकि उस क्षेत्र में लगभग 800 से 900 फीट नीचे पानी है, तो जो हैंडपंप में पानी की आवक कम है। पानी की आवक जो अचानक जो कम हुई है वो पानी का जलस्तर नीचे जाने से हुई है। ये ढोंडरा जाम पंचायत का उत्तरी बर्रा एक मोहल्ला है या ढाना बोलते ढाना है, तो उसकी करीब 300 के समथिंग जनसंख्या है। वहाँ पर 3 हैंडपम्प संधारण संचालित हैं, जिसमें 2 हैंडपम्प चालू हैं, 1 हैंडपम्प बंद है और जिसको भी चालू किया जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और 1 तत्कालीन नलकूप खनित किया गया है, परंतु वहाँ पर विद्युत न होने के कारण थोड़ा पेयजल समस्या उत्पन्न हुई है। परंतु वहाँ पर हमने नया नलकूप हुआ है जिसमें हम सोलर पैनल लगा करके तथा पेयजल व्यवस्था सुचारू करेंगे। अभी जी गलत कहना गलत होगा कि नाले का नदी का पानी पी रहे हैं वो गलत है, वो सिर्फ निस्तार के लिए और पशुओं के लिए पानी लाते। मैंने खुद जाकर स्वयं भ्रमण किया है और पीने के लिए स्वयं वो हैंडपंप का पानी पी रहे हैं।